हेलो फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूँ लिफ्ट का सेंटरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिफ्ट का सेंटरिंग करने के लिए देखिए, ये प्लाई लगाना पड़ता है। ये प्लाई है, ये प्लाई लगाने का 2300 लंबा प्लाई है। ये प्लाई लगाने के बाद इधर से भी प्लाई लगाने का, यहाँ से सेंटरिंग की इधर से प्लाई लगाई गई है, देखिए। और यहाँ से छोटा सा प्लाई बनाए, 300 बाई 250 का प्लाई डाल के इसको पैक किया गया है। उसके बाद देखिए, इसमें चाबी लगाई गई है, यहाँ पे भी चाबी लगा के क्लैंपिंग किया गया है, देखिए सपोर्ट दिया गया है। देखिए, ये लिफ्ट को चाबी लगा के पूरा सपोर्ट दिया गया है ताकि ये प्लाई इधर उधर भागे ना। उसके बाद देखिए, ये लिफ्ट है 5 मीटर बाई 800 की लंबाई है इसकी, लिफ्ट की 5 मीटर 800 और 2300 चौड़ाई है। देखो 2300 चौड़ाई है ये लिफ्ट है। बिल्डिंग की लिफ्ट की सेंटरिंग के बारे में आपको बता, देखो तो सेंटरिंग किया गया है। देखो ये देखो, इसमें स्पान लगाया गया है, ये देखिए पूरा यहाँ से। देखो यहाँ पे भी ऐसे किया गया, यहाँ पे भी चाबी लगाया गया है, देखिए चाबी लगाया गया है, यहाँ पे भी चाबी लगाया गया, फिर स्पान लगा के देखो क्लैंपिंग किया गया। देखिए प्लाई उधर भागे ना, देखिए ये स्पान लगा के टाइट किया गया। वो देखो ऊपर का टाइट है, वो टाइट बोलते हैं, टाइट से लगा के देखो, यहाँ भी टाइट लगा हुआ है, देखो टाइट है, यहाँ पे भी टाइट है, ये सब टाइट लगाया हुआ है। देखिए ये टाइट लगा, स्पान लगा के इसको क्लैंप करते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्लाई लगाई गई है, प्लाई लगा के फिर इसको सेंटरिंग किया गया, प्लाई लगाया गया, फिर इसके बाद चाबी लगा के सब सपोर्ट मारा गया। इसको यहाँ पे भी बंद किया गया, पैक किया गया। देखो 300 बाई 250 का ये प्लाई है और ये 300 लंबा प्लाई है। ऐसे लगा कि इधर से भी ऐसा सब किया गया। देखो सेंटरिंग, देखिए सेंटरिंग आप देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सेंटरिंग कैसे की जाती है लिफ्ट की। देखिए यहाँ पे भी चाबी लगाई गई है, प्लाई लगाने के बाद चाबी लगा के क्लैंपिंग करते हैं। देखो प्लाइंग की सेंटरिंग होने के बाद ना फिर चाबी मार के सब इसको ऐसा किया जाता है। इसके बाद देखिए सब किया गया ना, यहाँ पे देखो स्पान लगा के टाइट से टाइट किया गया ताकि ये स्पान सपोर्ट दबा के रखे दोनों साइड से। ये स्पान देखो यहाँ पे लगाया गया क्लैंप करने के लिए, सेंटरिंग को पूरा क्लैंपिंग करने के लिए। देखो स्पान से लगा लगा के टाइट किया गया, देखिए ये सेंटरिंग की गई है इसकी। यहाँ पे सिकंजा मारा गया है ताकि ये भागे ना, सिकंजा से चाबी दबा के रखता है। देखिए ये पूरा ऐसे लगा लगा के सेंटरिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे भी स्पान लगाया गया, स्पान लगा के देखो इधर से भी क्लैंपिंग किया गया है। देखो यहाँ इधर से भी क्लैंपिंग किया गया, टाइट लगा के देखो, टाइट लगा हुआ है ना, वो देखो टाइट है, ये दिख रहा है ना टाइट, थ्रेडिंग मारा हुआ है। अब इसको लगा नीचे भी टाइट लगा के इसको टाइट करते हैं, स्पान को पूरा टाइट किया जाता ताकि ये सेंटरिंग इधर उधर भागे ना स्लैप करते समय। देखिए ऊपर भी टाइट लगा गया स्पान को, ऐसे ही आपको अंदर भी स्पान लगा के देखो टाइट किया गया, देखिए पूरा टाइट किया गया। देखिए क्लैंपिंग किया जाता है सेंटरिंग को ताकि हिले ना थोड़ा भी स्लैब भरते समय। देखिए ऐसे पूरा किया गया है, ये है लिफ्ट की सेंटरिंग। प्लाई होने के बाद देखो सिकंजा मार मार के इसको टाइट किया जाता है ताकि चाबी भागे ना, ये चाबी हिले ना, ताकि सेंटरिंग को दबा के रखती है प्लाई को। देखिए ये देखिए पूरा सेंटरिंग की गई है ना। अब यहाँ से इधर साइड भी देखो ऐसे किया गया, स्पान लगा सेंटरिंग होने के बाद स्पान लगा इसको क्लैंपिंग किया गया टाइट डाल के। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखो सिकंजा मारा गया ताकि ये हिले ना, सिकंजा यहाँ पे इसलिए मारा गया है ना ताकि ये स्लैप करते समय थोड़ा भी हिले ना, थोड़ा भागे ना इधर उधर। देखिए यहाँ पे मुंडा का सपोर्ट भी दिया गया ताकि नीचे सेंटरिंग भागे ना। देखो ऐसे मुंडा का सपोर्ट सब जगह दिया गया, देखिए और मुंडा को क्लैंप किया गया स्टापर, देखिए
ये सब रुका गया है मुंडा ताकि इस पर लोड पड़े तो भागे ना सेंटरिंग। देखिए पूरा सेंटरिंग, अभी तो आप समझ गए होंगे लिफ्ट की सेंटरिंग कैसे की जाती है। देखिए सब जगह स्पान लगा लगा के इसको क्लैंप किया गया, स्पान में टाइट लगा के देखो क्लैंप किया गया। देखिए ये सब पूरा लिफ्ट की सेंटरिंग की गई है, इतना सपोर्ट देने के बाद इसकी सेंटरिंग होती है। हाँ देखिए ये सब सेंटरिंग सपोर्ट होने का क्यों कब दिया जाता है ना सपोर्ट, ये सपोर्ट वो लंबा करते समय दिया जाता है। देखिए वो लंबा करने के लिए सपोर्ट दे दे के ये मुंडा लगा लगा को लंबा किया जाता है ताकि ये टेढ़ा ना हो, और उसके बाद ये स्पान लगाया जाता है। स्पान लास्ट में लगा के क्लैंपिंग किया जाता है, सबसे लास्ट में लिफ्ट की सेंटरिंग करने के बाद स्पान लगा के इसको क्लैंप किया जाता है, ये सबसे लास्ट में लगता है। देखिए तो पूरा सेंटरिंग हो गई है यहाँ से, देखिए पूरा सेंटरिंग हो गई है, टाइट लगा के क्लैंप की कर दिया गया, पूरा सेंटरिंग हो गई है। ये देखिए पूरा सेंटरिंग हो गई है, क्लैंपिंग हो गई है, सब कुछ हो गई है इसका पूरा, ये लिफ्ट को अब भरने का ही है, पूरा सेंटरिंग हो गई है इसका। लिफ्ट की सेंटरिंग ऐसी की जाती है, देखिए कितना सपोर्ट दिया गया है इसको तब जाके इसकी सेंटरिंग हुई है। और यहाँ से देखो सेंटरिंग होने के बाद ना जब ये प्लाई ठोकते हैं उसके बाद इसको लंबा करके ही ये चाबी वाबी मारते हैं, चाबी मारने के बाद सब किया जाता है। पहले सेंटरिंग होने के बाद प्लाई ठोकने के बाद सबसे पहले इसको लंबा किया जाता है। देखिए वो लंबा किया गया है, देखिए वो लंबा तब बरोबर रहेगा जितना ऊपर साइज मिलेगा। देखो ऊपर जितना मिलेगा उतने नीचे मिलना चाहिए, 2-3 mm ऊपर रहेगा तो लंबा ओके है। अब यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है सब, इसको एकदम लिफ्ट की सेंटरिंग हो गई है। देखिए इधर का भी ऐसे लंबा किया जाता है, यहाँ ये फेस का भी ऐसे लंबा, जैसे जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा। सब आप समझ गए होंगे पूरा लिफ्ट की सेंटरिंग कैसे की जाती है। देखिए पूरा सेंटरिंग हो गई है इसकी, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दे रहा हूँ ओरिजिनल वीडियो। देखिए पूरा लिफ्ट की सेंटरिंग हो गई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती ज़रूर कमेंट करें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं आपको ऐसे ऐसे नए नए वीडियो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा। देखिए लिफ्ट की पूरी सेंटरिंग हो गई है, बस लाइफ भरने की दे रही है इसको। थैंक यू।